वेल गाइस, मॉर्निंग ट्रेडिंग सेटअप बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मॉर्निंग में 9:15 से लेकर आप 10 बजे के बीच में ही इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बुक करके 9:00-11:00 हो जाओगे अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने से। तो काफी गजब की स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और लर्निंग मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपने बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, और निफ्टी के 5 मिनट के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी और दोस्तों फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स, किसी भी चार्ट के ऊपर, किसी भी इंडेक्स के अंदर यहाँ पर ये 5 मिनट की जो मैंने मॉर्निंग सेटअप स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों काफी यूजफुल स्ट्रेटजी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले कुछ सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 2 से 3 साल से इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा हूँ, और कंटिन्यू ये प्रॉफिट देती है और कभी कभी लॉस भी देती है। तो लॉस में को अपने को मैनेज करना होता है, तो मैनेज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस स्ट्रेटजी के अंदर। सबसे पहले दोस्तों मार्केट की ओपनिंग देखनी है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर हो रही है, गैप अप ओपनिंग हो रही है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तब दोस्तों ये स्ट्रेटजी काम करेगी। अदरवाइज फ्लैट ओपनिंग होती है उसके लिए भी काम करते हैं, बट कैसे काम करते हैं वो भी यहाँ पर वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैंने निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये कल का चार्ट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, कल का चार्ट ये लगा दिया, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर अपने को लेवल एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। लेवल आपको, लेवल जो होते हैं आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो एक्यूरेट होने चाहिए, तभी ये स्ट्रेटजी काम करेगी, और तभी इस स्ट्रेटजी में आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर लेवल आपको बताता हूँ, ये लेवल देखिए आप, जो लेवल है 880 का, ये लेवल एग्जीक्यूट किया। उसके बाद दोस्तों आज की ट्रेडिंग सेशन में देखिए, ये जो 950 का लेवल है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपसाइड में और भी देखेंगे, डाउन साइड में और भी देखेंगे, तो आपको ये सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ इस स्ट्रेटजी का। मॉर्निंग में गैप अप और गैप डाउन होता है, यहाँ पर देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग हुआ मार्केट में, गैप डाउन ओपनिंग के बाद दोस्तों ये इस लेवल के आसपास खुला। अब दोस्तों इसका जो SL है यहाँ पर अपन कॉल ले सकते हैं, और दोस्तों ये कैंडल देखिए काफी अच्छी एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद भी मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम दिया। स्ट्रेटजी यही है कि आपको एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है, और उसके बाद दोस्तों उस सपोर्ट के पास, उस रेजिस्टेंस के पास मार्केट जैसे ओपन होता है उसके अपोजिट, अगर गैप अप ओपन हुआ है तो उसके, अगर गैप अप ओपन हुआ है रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ है तो वहां पर आपको पुट लेनी है, क्योंकि रेजिस्टेंस से वहां पर पहले 5 मिनट की कैंडल या फिर पहले 15 मिनट की कैंडल डाउन साइड आएगी ही आएगी। और दोस्तों SL कैसे लेना है वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर पहले 5 मिनट की कैंडल देखिए, यहाँ से देखेंगे ये सपोर्ट था अपने 24,800 का, और दोस्तों यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड ही निकला है, उसके बाद डाउन साइड है, फिर भी दोस्तों यहाँ पर 800 के लेवल को ब्रेक नहीं किया और मार्केट अपसाइड ही गया है। और भी आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ओपनिंग के साथ ही पहले 5 मिनट के अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ कि 5 मिनट ये रेजिस्टेंस देखिए, 980 का ये एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सॉरी 980 का एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ मार्केट और डाउन साइड आया, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है। और SL कैसे लेते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग देती है 5 मिनट की, वही पांच मिनट की कैंडल जैसे कि पहले 5 मिनट के अंदर हमने यहाँ पर एंट्री करी, एंट्री करने के साथ ही यही 5 मिनट की कैंडल ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर सपोर्ट के नीचे जैसे ही क्लोजिंग देती है, वहां से 9:00-11:00 हो जाना है। अपने को वेट बिल्कुल भी नहीं करना है कि यहाँ पर मैं वेट करूं कि मार्केट कब वापस रिवर्स हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी दिन ऐसे ट्रेड में घुस गए कि वहां पर आपने क्वांटिटी मैनेज नहीं करी, आपने अपना सारा पैसा डाल दिया, क्वांटिटी मैनेज नहीं करी, तो वहां पर लॉसेस बहुत ही तेजी से होंगे, तो वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको आज के दिन भी देखिए मार्केट अभी भी चल रहा है, अभी क्या टाइम हो गया है, 12:30 होने आए हैं और दोस्तों मार्केट अभी भी चल रहा है, तो आज के दिन का भी देख लीजिए, मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर देखेंगे 920 के आसपास, देखेंगे ये 920 के ऊपर सस्टेन है, ये 920 का लेवल देखिए, और उसी लेवल से पहले 5 मिनट की कैंडल डाउन साइड आई, ये यहाँ से आई और डाउन साइड आके डाउन साइड क्लोज हुई, उसके बाद दोस्तों अपसाइड गया, फिर देखेंगे एक डाउन साइड का मोमेंट, 920 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ तब तक मार्केट डाउन साइड में था, और जैसे ही 920 के ऊपर निकला सस्टेन हुआ तो मार्केट ये अपसाइड में जाके 950 के आसपास जाके कंसोलिडेट होकर डाउन साइड आया और कंसोलिडेट हो रहा है।
तो मैं आपको ऐसे काफी सारे एग्जांपल और भी बता देता हूँ, उन एग्जांपल से आपको बिलीव आएगा कि पहले 5 मिनट के चार्ट के अंदर और पहले 5 मिनट की कैंडल के अंदर भी आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट आपको देखना यही है कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है एक्यूरेसी के साथ, तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये देखिए 400 और 420 का ये लेवल था, 420 और 400 का, यहाँ पर 420 फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग के बाद दोस्तों अपसाइड में निकला, देखिए यहाँ से देखिए अपसाइड में निकला, आपको कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम दिया। पहले 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पर मैंने कॉल ली थी और एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया था इस पहले 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही। और ऐसा नहीं है कि पहले 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है तो सेकंड 5 मिनट के अंदर भी प्रॉफिट आ रहा है और थर्ड 5 मिनट के अंदर अपन रेजिस्टेंस आ गया ऊपर या फिर डाउन साइड में सपोर्ट आ गया तब भी अपन वहां पर बैठे नहीं, अपने को एग्जिट कर देना है। एक बार जो प्रॉफिट आ जाए वो लेकिन 9-11 हो जाना है। ठीक है, अभी मैं आपको और भी बताता हूँ। ये देखिए 420 का लेवल था, ये 420 का लेवल था यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर अपसाइड में देखेंगे ये जो लेवल था 420 का, और ये देखेंगे 280 का, ये 280 के लेवल के आसपास ओपन हुआ, ये कैंडल देखिए डाउन साइड आई और ये 420 के लेवल के आसपास आया और ये अपसाइड में गया वापस। ठीक है, और भी बताता हूँ मैं आपको, काफी सारे एग्जाम्पल है ऐसे मेरे पास जिससे इस स्ट्रेटेजी के अंदर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 24 तारीख का बताता हूँ, ये देखेंगे ये आई, देखेंगे इस सपोर्ट पे आई, सपोर्ट से देखेंगे ये अपसाइड गई। तो 2 कैंडल के अंदर ही मॉर्निंग का जो मोमेंटम होता है, प्रीमियम का मोमेंटम होता है, बहुत ही तेजी से होता है। तो 2 कैंडल के अंदर अगर आप सही ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो 2 कैंडल के अंदर ही आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, इवन 1 कैंडल के अंदर भी काफी गजब का प्रॉफिट होगा। मैं ऐसे ट्रेड है जिनमें 1 कैंडल के अंदर ही ट्रेड लेके 9-11 हो जाता हूँ और एक ही ट्रेड के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट करके निकलता हूँ। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी है मॉर्निंग की 5 मिनट के कैंडल के अंदर और 15 मिनट की कैंडल के अंदर, मैक्स टू मैक्स आप 20 मिनट ट्रेडर बन जाओगे, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट के अंदर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके 9-11 हो जाओगे। बस ये स्ट्रेटजी आपने देखी है तो इनको समझो डेली, आप चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करो जो मैंने लेवल्स निकालता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे निकालने हैं। अगर आपको लेवल्स निकालना नहीं आता है तो मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को ये लेवल्स देखिए एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, जहां पर मैंने लेवल्स लगा रखे हैं वहां पर मार्केट या तो वेट कर रहा है यहाँ पर, या फिर अपसाइड में निकल गया है या फिर डाउन साइड में निकल रहा है, और वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट ले ही रहा है, उसके बाद ही कहीं और निकल रहा है मार्केट अपसाइड में या फिर डाउन साइड में। ठीक है, अदरवाइज दोस्तों लेवल आपके सही नहीं है, आप लेवल को सही से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई इन्फॉर्मेशन से प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप ये लेवल्स निकाल सकते हैं जिससे दोस्तों एक अच्छा प्रॉफिट और आपको देखने को मिलेगा। SL की बात कर लेता हूँ, SL की बात यहाँ पर ये है कि जहां पर आपने ट्रेड लिया है, जैसे दोस्तों आपने देखेंगे यहाँ पर ट्रेड लिया है, मैं आपको नेक्स्ट डे की कैंडल दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये देखिए अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है मॉर्निंग के 5 मिनट, अब दोस्तों ये 400 के नीचे क्लोज करता है या फिर 380 के नीचे क्लोज करता है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लेता हूँ, यहाँ पर 20 का जो लेवल और 80 का जो लेवल है उसके नीचे SL लेंगे, अदरवाइज SL नहीं लेंगे, वेट कर सकते हैं। 20 के लेवल और 80 के लेवल के नीचे 20 और 80 के लेवल, ये है 80 का लेवल और ये है 20 का लेवल, 80 का लेवल और 20 का लेवल, ये 20 का लेवल, ये 80 का लेवल, 80 के लेवल और 20 के लेवल के नीचे ही अपन SL लेते हैं पहले 5 मिनट की कैंडल के अंदर, और उसी जगह पर 80 और 20 की जगह पर ही देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहां पर बन रहा है, तभी अपन यहां पर वो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फ्लैट ओपन हो रहा है तब भी अपन वहां पर बाइंग साइड या फिर सेल साइड ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को फॉलो कीजिए, उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में और भी आप लिख सकते हैं कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, तो बाकी प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों ये चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।